एक स्पाई जो अपनी आइडेंटिटी छिपाता था उसी की वाइफ का एक फेक स्पाई के साथ अफेयर हो जाता है। वो फिर अपने मैरिज को बचाने के लिए उसके साथ गेम्स खेलने लगता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ट्रू लाइज 1994 की एक हॉलीवुड थ्रिलर रोमांटिक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में लेक चपाओ के पास एक मैंशन में पार्टी चल रही थी। यहाँ पर बहुत हाई सिक्योरिटी गार्ड उसे गार्ड कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर पानी के अंदर की गेट की रेलिंग्स काट कर अंदर से ही मैंशन में घुस जाता है। इसके बाद वो वहां पर जमी बर्फ को एक चाकू से काट कर बाहर निकाल देता है। सभी गार्ड्स की नजरों से छुपते हुए वहां के एक वेयर हाउस के पीछे वो छुप जाता है। इसके बाद वॉकी टॉकी से वो अल्बर्ट से बात करता है। यहाँ हमें उसका नाम पता चलता है जो है हैरी। वैन के अंदर उनका फैजल नाम का एक कलीग भी था जो कंप्यूटर से उनकी सारी चीजें संभालता था। अल्बर्ट सारे गार्ड्स पर नजर रखे हुए था। वो हैरी को कहता है सभी गार्ड्स के पास गन है। अब हैरी ने वॉकी टॉकी को रख दिया। इसके बाद वो पार्टी ज्वाइन करने के लिए सूट पहन लेता है। वहां पर खड़े हुए गार्ड्स के निकलते ही वो मैंशन में घुस गया। यहाँ पर किसी को शक ना हो ऐसी बड़ी एक्टिंग करना शुरू कर देता है। हैरी वहां पर खड़े शेप को भी डांटता है। कहता है कि खाने में बहुत ज्यादा गार्लिक तुमने डाला है, ये खाना मैं अपने कुत्तों को भी नहीं खिलाऊंगा। हैरी उसे सारा फिर से वापस बनाने के लिए कहता है। इसके बाद वहां से शैंपेन लेकर पार्टी में सब लोगों के साथ वो खुलने मिलने लगता है। यहाँ वो सबसे जाकर थोड़ी थोड़ी बात करता है। वहां पर उसकी नजर सबसे मिल रही एक लड़की पर जाती है। तभी उसे वैन से सिग्नल मिलता है कि ऊपर के फ्लोर पर सिक्योरिटी कैम है। हैरी वहां से ऊपर के फ्लोर के लिए निकल जाता है। इसके बाद बचते बचाते हुए एक रूम में घुसता है जहाँ की बालकनी से वो ऊपर चढ़ जाता है। वो तीसरे फ्लोर पर चढ़ गया। वहाँ के रूम में घुसकर वहाँ के कंप्यूटर से सारा डेटा ये फैजल के कंप्यूटर में वो ट्रांसमिट कर देता है। इसके बाद उस रूम से निकलते ही उसे एक गार्ड मिलता है। उस गार्ड से उसने बहुत ही फ्लुएंट अरेबिक में बात की। वो अरेबिक में कहता है कि मैं तो वॉशरूम ढूंढ रहा था, वो कहाँ पर है। गार्ड फिर उसे वॉशरूम की तरफ भेज देता है। तभी हम देखते हैं कि गार्ड को हैरी पर शक हो गया था। गार्ड की नजरों से बचते हुए हैरी वहाँ के स्कल्पचर्स देखने लग गया। तभी वहाँ पर वो लड़की आती है जिसे हैरी ने पहले नोटिस किया था। इसके बाद वो दोनों स्कल्पचर्स की बातें करने लगते हैं। वो पर्शियन आर्किटेक्ट है, उसे भी आर्ट्स और एंटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। अल्बर्ट अपनी वैन से हैरी को उस लड़की के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता है। हमें पता चलता है कि लड़की का नाम जूनो स्किनर है। वो आर्ट और एंटिक्स की डीलर थी। वो बात कर रहे थे तभी वहां पर गार्ड्स को पता चल जाता है कि बर्फ को तोड़कर वहां से कोई मैंशन के अंदर गया है। सभी लोगों को अलर्ट कर दिया जाता है। इस सब की इन्फॉर्मेशन अल्बर्ट से हैरी को मिल जाती है। हैरी भी अलर्ट हो गया। तभी मैंशन के गार्ड अंदर आते हैं। उनसे बचने के लिए हैरी जूनो के साथ टैंगो करने लगता है। सबकी नजरों से बचते हुए वो डांस कर रहा था। दूसरी तरफ फैजल सारी फाइल्स को अनलॉक कर देता है। अब हैरी अपना डांस खत्म करने के बाद जूनो से कहता है कि मेरी अब फ्लाइट है, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मैं ज्यादा देर तक तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता। जूनो उसे इम्प्रेस्ड हो गई थी तो उसे अपना कार्ड देती है। उसे कहती है कि कभी मुझे कॉल करना। उसने कहा कि मेरा ऑफिस रोम में है। अब हैरी वहां से निकल जाता है। अल्बर्ट कहता है कि तुम अब वहां से बाहर कैसे निकलोगे। हैरी ने कहा कि मैं मेन गेट से निकलूंगा, जिस पर उसका दोस्त उसे बढ़ावा देता है। हैरी जा ही रहा था तभी वहां पर उसे एक कार्ड रोक देता है। पूछता है कि तुम्हारा इन्विटेशन कार्ड कहाँ पर है। हैरी निकालता है और बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है और कहता है कि यहाँ पर। इसके बाद सभी गार्ड उस पर गोलियां चलाने लग जाते हैं। हैरी भी उन पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ अल्बर्ट और फैजल वैन लेकर हैरी के पास पहुंचने के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ पर उनमें बहुत फाइट होती है। पैरेलल में अल्बर्ट और फैजल वैन से फिसलते फिसलते रोड पर आ रहे थे। वहां से भागने के लिए हैरी को स्कीइंग करते हुए निकलना पड़ता है। भागते हुए गिरते पड़ते फाइट करते हुए निकल जाता है। वो तीनों एक जगह पर मिल जाते हैं जहाँ पर हैरी डायरेक्टली उनके वैन के सामने आ गया था। वहां पर खड़े खड़े बात करते हैरी वैन के विंडो से दो आदमियों को मार देता है। उसके बाद सब लोग वैन से निकल जाते हैं। अब हैरी और उसकी टीम फ्लाइट में बैठकर वापस अमेरिका पहुंच जाते हैं। सभी लोग अपने घर चले जाते हैं और दूसरी सुबह 8 बजे मिलने के लिए बोलते हैं। अब यहाँ पर हैरी अपने घर पर पहुंच जाता है और अपने कमरे में छुपके से अपनी वाइफ के साथ सो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैरी अपनी बेटी डाना को स्लो विलेज गिफ्ट देता है। ये गिफ्ट वो स्वाइल लेकर एक्सेप्ट करती है पर हैरी के जाने के बाद उसे कचरे में फेंक देती है। हैरी उसे जल्दी से तैयार होकर स्कूल जाने के लिए कहता है। इसके बाद हैरी अपनी वाइफ हेलेन के साथ तैयार होते हुए अपनी कंपनी के बारे में बात करता है। कहता है कि आज वो बहुत ही लेट हो चुका है, जिस पर हेलेन कहती है कि आज वो भी लेट हो चुकी है। तभी वहां पर अल्बर्ट आ जाता है, एक सिगरेट का पैक उसके घर में रख देता है जो एक्चुअल में एक हिडन कैमरा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैरी के घर के बाहर एक लड़का बाइक लेकर आता है, डाना को आवाज देने लगता है। इसके बाद अल्बर्ट ने हैरी को चश्मा दिया जिस वो लाइव फुटेज देख सके। जहाँ से हिडन कैमरा रखा हुआ था वहां से वो फुटेज देख सकता था। हैरी उसे देखता है कि डाना अल्बर्ट के कोट से पैसे चुरा रही थी। हैरी देखकर डाना के पीछे दौड़ता है। डाना उस लड़के के साथ बाइक पर बैठकर वहां से निकल जाती है। वो कहती है कि मैं लेट हो चुकी हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि हैरी और अल्बर्ट वहां से अपने काम के लिए निकल चुके हैं। हैरी अल्बर्ट से कहता है कि आजकल के बच्चे बहुत ही ज्यादा ही होशियार हो चुके हैं,
और इसलिए आज तक उसे कोई भी बच्चा नहीं है। इसके बाद हैरी उसे कहता है कि मैंने उन्हें कभी भी चोरी करना नहीं सिखाया। इसके बाद वो अपने काम की जगह पर पहुंच जाते हैं जो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था। उसका नाम ओमेगा सेक्टर है, द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अंदर जाने के लिए उन्हें पहले एक्सरे स्कैन से गुजरना पड़ता है, फिर उसके बाद वो दोनों अपने हाथ को रेटिना स्कैन कर अंदर जाते हैं। वो दोनों अपने बॉस के साथ बैठे हुए थे। हैरी का बॉस उसे कहता है कि तुम लोगों ने मिलकर सब कुछ उड़ा ही दिया था। फैजल उन्हें जमाल खलीद की सारी फाइल्स दिखाता है, सारे ट्रांजैक्शन दिखाता है। उन्हें अब पता है कि सोवियत यूनियन के 4 मर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब्स को एक हफ्ते पहले स्मगल करवा दिया था। ये कजाकिस्तान में था। उनके बॉस उन्हें सिचुएशन को जल्दी हैंडल करने के लिए कहते हैं। वो नहीं चाहते कि व्हाइट हाउस के सामने बॉम्ब आ जाए। हम हैरी को देखते हैं जिसे जोना के अकाउंट में $2 मिलियन का ट्रांजैक्शन खलीद से मिलने का पता चलता है। उसे ये भी पता चला कि जोना अभी रिवर सिटी में अभी के लिए यहीं पर है। हैरी फिर वहां पर रैंकविज बनकर पहुंच जाता है, उसे बात करता है और एंटिक्स के बारे में पूछता है। हैरी और उसकी टीम को शक था कि जोना हथियारों की सप्लाई कर सकती है। हैरी जोना से मिल रहा था तो उसके आदमियों को उस पर शक हो जाता है। एक आदमी जाकर डायरेक्टली जोना को थप्पड़ मार देता है। उसे कहता है कि हैरी के बारे में पता लगा। हमें पता चलता है वो आदमी एक टेररिस्ट था। इसके बाद हैरी और अल्बर्ट वहां से अपने घर पर जा रहे थे। उन्हें रियलाइज हुआ कि उनका कोई पीछा कर रहा है। अल्बर्ट उसे एक जगह पर गाड़ी लगाने के लिए कहता है। वो फिर वहां से निकल जाता है। अल्बर्ट फिर उन लोगों पर नजर रखता है और हैरी से कहता है कि कुछ लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। इसके बाद हैरी पब्लिक वॉशरूम में चला जाता है और उसके पीछे वो दो लोग भी आए। वहां पर हैरी और उनकी फाइट होती है। हैरी उन दोनों को मार देता है तभी वहां पर तीसरा आदमी भी आता है। वो डायरेक्टली हैरी पर गोलियां चलाने लग गया। एक लंबी फाइट के बाद वो आदमी वहां से भागने लगता है। हैरी उसका पीछा करता है। वो आदमी बाइक पर था और हैरी उसके पीछे घोड़े पर था। वो लोग फिर वहां से एक होटल में जाते हैं। वहां पर वो आदमी अपनी बाइक को लिफ्ट में डाल देता है। हैरी अपने घोड़े के साथ लिफ्ट में चढ़ जाता है। इस सारी पकड़ा पकड़ी के बाद वो आदमी उस बिल्डिंग से कूद जाता है और वो डायरेक्टली नेक्स्ट बिल्डिंग के पूल में गिर गया। हैरी ने भी उसे पकड़ने की कोशिश की पर वो पकड़ नहीं पाया। हैरी फिर अपने घर पर आता है। उसकी फैमिली ने उसके बर्थडे के लिए पार्टी प्लान की थी पर हैरी को बहुत लेट हो गया था, इस वजह से सब लोग सो गए थे। अगले दिन हैरी और उसकी टीम को पता चलता है कि कल का आदमी सलीम अबू अजीज है, जिसने पिछले कुछ सालों में बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट किए। अब उसने क्रिमसन जिहान नाम का एक ग्रुप बना लिया था। यहाँ से हम आगे देखते हैं कि हैरी उसकी वाइफ के ऑफिस में छुपके से उसे सरप्राइज करने के लिए आता है। यहाँ पर खुद सरप्राइज हो गया। उसकी वाइफ किसी और आदमी के साथ मिलने की बात कर रही थी। वहां से फिर वो निकल जाती है तो हैरी बहुत डिस्टर्ब हो गया था। हैरी और अल्बर्ट मिलकर उसका पीछा करते हैं। उसे पता चलता है कि आदमी नकली सीक्रेट एजेंट बनकर उसकी वाइफ को बहकाने का काम कर रहा था। इसके बाद हैरी उस आदमी की पुरानी कार की शॉप पर आता है। वहां पर उसके साथ टेस्ट ड्राइव पर लेकर जाता है। हैरी उसके साथ बात कर उसकी सारी पोल खोल लेता है। वो एक प्लेबॉय था जो शादीशुदा औरतों को अपने झांसे में फंसाता था। उसका नाम था साइमन। वो हैरी की वाइफ के बारे में बहुत ही गंदी गंदी बातें करता है। हैरी इस बात पर बहुत गुस्सा आता है पर उसे शक था कि शायद उसकी वाइफ उस पर चीट नहीं कर रही। उन्हें रंगे हाथ पकड़ने के लिए हैरी उनकी सारी मूवमेंट्स को ट्रैक करता है। उसे पता चलता है कि साइमन ने उसकी वाइफ को रात में 8 बजे अकेले मिलने के लिए बुलाया हुआ है। हेलन साइमन से मिली। साइमन उसे कहता है तुम्हें मेरे साथ पैरिस आना पड़ेगा मेरी नकली बीवी बनकर। इस तरह अपनी बातों में लाकर उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी हेलन उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। इसी मोमेंट पर हैरी और उसकी टीम वहां पर पहुंच जाते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। हैरी साइमन को बंधक बनाकर बहुत डराता है। साइमन बहुत डर गया था और अपनी चड्डी गिली कर देता है। वो दूसरी तरफ हेलन को एक रूम में बंद कर देते हैं। हैरी आवाज बदल देता है और सारी पूछताछ करता है। उसे पता चलता है कि हेलन उस पर चीट नहीं कर रही थी, वो उसे अभी भी प्यार करती है। पूछताछ के दौरान हेलन उस पर भड़क जाती है और वहां पर रखे हुए कांच को ऑलमोस्ट तोड़ देती है। इसके बाद हेलन से पूछा जाता है कि जब उसने पेरिस जाने के लिए पूछा था तो तुमने हाँ क्यों कहा। हेलन कहती कि मैं अपनी शादी में बहुत बोर हो गई थी, मुझे फिर से जिंदा महसूस करना है। उसे लाइफ में कुछ एक्साइटिंग करना था, एडवेंचर्स करने थे। वो नहीं चाहती थी कि उसे लाइफ में पछता हो कि उसने कभी भी ऐसी चीजें नहीं की, वो फ्यूचर में कह सके कि उसने सब कुछ ट्राई करके देखा है। हैरी फिर उसे सेटिस्फेक्शन देने का डिसाइड करता है। उसने उसे एक मिशन में शामिल होने के लिए कहा। उसका कोड नेम उसे डोरिस बताता है। इसके बाद हेलन के मान जानने पर उसे वो घर पर पहुंचा देता है। दूसरे दिन उसे कॉल आता है। उसे एक सेक्स वर्कर प्रिटेंड कर एक आदमी के पास होटल में जाना था। एक चीप उसके अंदर उसे डालनी थी। हेलन वहां पर पहुंच गए। वहां पर बैठा हुआ आदमी जोजो उसे जो कहता है उसे सब कुछ करना पड़ता है। वो आदमी और कोई नहीं तो एक्चुअल में हैरी ही था। वो टेप रिकॉर्डर में उसने ऑलरेडी अजीब सी आवाज रिकॉर्ड करके रखी थी और यही वो चला रहा था। यहाँ पर हैरी हेलन को बेड पर लेटा देता है उसके साथ कुछ कर सके। इससे पहले हेलन वहां पर पड़ी हुई चीज से उसे मारने लगती है। हैरी उसे कहने लग गया था कि मैं और कोई नहीं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ, लेकिन तभी वहां पर कुछ आदमी आ जाते हैं। हेलन और हैरी को पकड़ कर वहां से लेकर जाते हैं। वो डायरेक्टली अब जोना के प्लेन में थे।
अब यहाँ पर जोना को सारी बात पता चल चुकी थी कि हैरी एक जासूस है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को दे रहा था। ये बात अब तक हेलेन को पता नहीं थी। हेलेन इस बात से बहुत नाराज हो जाती। इसके बाद वो दोनों को बेहोश कर अबू अजीज के पास लेकर आते हैं। उसे धमकाता है कि तुमने जो भी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को बताई ये सब कुछ मुझे बता दो, वरना तुम्हारी वाइफ को मैं मार डालूंगा। ये सुनते ही हैरी उसे वहां पड़े हुए बॉम्ब की सारी जानकारी दे देता है। इसके बाद सलीम उन दोनों को एक जगह पर जाकर बांध देने के लिए कहता है। हैरी को एक इंजेक्शन दिया जाता है। हेलेन उसे पूछती है क्या हम लोग मरने वाले हैं। हैरी कहता है कि हाँ, बहुत बुरी तरीके से। इसके बाद वहां पर उन्हें टॉर्चर करने वाला एक आदमी आता है। हैरी ने अपनी हथकड़ियां खोल ली, उनको मारता है और हेलेन को अपने साथ लेकर जाता है। इसके बाद बहुत बड़ी फाइट शुरू होती है। इसी के बीच सलीम अपने बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। वहां पर हैरी सब लोगों को एक एक कर मारने लगता है। हैरी ने हेलेन को भी एक बंदूक दे दी। इसके बाद वो लोगों को मारने के लिए चला गया। हेलेन ने गन चलाने की कोशिश की पर गोली चलाते हुए उसके हाथ से गन छूट जाती है। गन सीढ़ियों से गिरते गिरते गोलियां चलने लग जाती है। तभी वहां पर जोना आ गई। हेलेन को उसने अपनी गाड़ी में डाला और वो वहां से निकल गई। इसके बाद फाइट की जगह पर हैरी की टीम आकर उसे ले जाती है। अब यहाँ हैरी और उसकी टीम हेलीकॉप्टर से ऑर्डर दे रहे थे। जेट प्लेन्स को बता रहे थे कि वो ब्रिज उड़ा दे। जिस गाड़ी में बॉम्ब था वो ब्रिज से नीचे गिरकर पानी में ही गिर जाएगी। ऑर्डर देने के बाद जेट प्लेन्स मिसाइल को लॉन्च कर ब्रिज को उड़ा देते हैं। जो ट्रक ब्रिज पर थे वो नीचे गिर गए। यहाँ पर गाड़ी में हेलेन और जोना की फाइट चल रही थी। वहां पर हेरा जोना को बॉटल से मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद हैरी हेलीकॉप्टर से लटक कर हेलेन को बचा लेता है। जोना कार के साथ पानी में गिर जाती है, जहाँ कार ब्लास्ट हो गई वहीं पर उसकी डेथ हो गई थी। यहाँ पर सब लोगों के सेफ होने के बाद न्यूक्लियर बॉम्ब पानी में फट जाता है। पूरा शहर अब बच चुका था। हैरी ने हेलेन को भी अब साथ में बचा लिया था। इसी मोमेंट पर हैरी को पता चलता है कि सलीम ने उसकी बेटी डाना को किडनैप कर लिया है। ये सुनते ही हैरी जेट लेकर वहां पर चला जाता है। सलीम ने डाना को किडनैप करके रखा था। हैरी की टीम एज ए रिपोर्टर बनकर आती है। सलीम फिर पूरी दुनिया को धमकी देने लगता है। दूसरी तरफ डाना सलीम को चकमा देकर उसके हाथ से रिमोट लेकर वहां से भाग जाती है। वो एक कंस्ट्रक्शन मशीन पर चढ़ गए। वहां पर हैरी पहुंच जाता है। वहां पर हैरी पहुंच गया और आकर बिल्डिंग के फ्लोर पर बहुत सारी गोलियां चलाता है। उसने सारे टेररिस्ट को मार दिया। डाना ऊपर चढ़ गई थी तो हैरी उसे बचाने की कोशिश करता है। सलीम उसे डाना को बचाने नहीं दे रहा था। हैरी डाना को डायरेक्टली प्लेन पर चढ़ा देता है। इसके पीछे पीछे सलीम भी प्लेन पर चढ़ गया। सलीम चलते हुए प्लेन पर कई बार वार करता है। हैरी इस पर कुछ कर नहीं पाता। हैरी सलीम को नीचे गिराने के लिए जेट को नीचे करता है। सलीम नीचे गिरने से बच गया था और एक मिसाइल से लटक जाता है। हैरी फिर उस मिसाइल को ही लॉन्च कर देता है। सलीम अपने हेलीकॉप्टर और अपने साथियों के साथ मर जाता है। इसके बाद अब हैरी और उसकी पूरी फैमिली अच्छे से मिलजुल कर रहने लग गए थे। वो बहुत ही खुश थे। तभी उन्हें कॉल आता है। उन्हें बोरिस और डोरिस के लिए एक मिशन दिया जाता है, जो हैरी और हेलेन के लिए कोड नेम्स थे। इसके बाद वो दोनों एक मैंशन में एक जासूस की तरह घुस जाते हैं। हेलेन भी हैरी की तरह घुलने मिलने लग जाती है। यहाँ पर उन्हें फिर से साइमन दिखता है, जो किसी और को फंसा रहा था। हैरी और हेलेन के वहां से आते ही वो बहुत डर जाता है। हेलेन अपनी लिपस्टिक उसके गले पर रखती है। साइमन की पैंट गीली हो गई। उसे लगता है कि हेलेन ने उस पर बंदूक रखी है। अब इसके बाद हैरी और हेलेन टैंगो करने लगते हैं। हेलेन की जॉब बोरिंग थी, उसे लाइफ में एडवेंचर चाहिए था, और अभी हैरी के साथ काम करने में उसे वही सब मिल रहा है। उनका मैरिज भी अब सेव हो चुका था। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दोनों मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।